एवरीवन, वेलकम टू शिखास किचन। मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट चमचम। ये चमचम हम ट्राई कलर में बनाएंगे और ये बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि इसे हम ब्रेड से बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं ब्रेड की चमचम। तो आइए देख लेते हैं ब्रेड की चमचम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ब्रेड स्लाइसेस और हम लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और साथ में हम लेंगे शुगर यानी कि चीनी, और हम लेंगे देसी घी, 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे, और हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा है ये हम लेंगे 1 कप, और हम लेंगे मिल्क 1/2 कप दूध लेंगे हम, और कुछ फूड कलर लेंगे हम, ऑरेंज और ग्रीन फूड कलर लेंगे, और हम छोटी वाली इलायची भी लेंगे, ग्रीन कार्डमम। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 1 कप पानी लिया है। 1 कप पानी के साथ हम लेंगे 1 कप शुगर। तो हम शुगर और पानी इक्वल अमाउंट में लेंगे। 1 कप पानी के साथ 1 कप शुगर डाल दिया हमने, और हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर तक। बस हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, एक तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, बस ये डिजोल्व हो जाए चीनी अच्छी तरह और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, इतनी देर इसको कुक करेंगे हम। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है, हमने यहाँ पे कढ़ाई गर्म की है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे इसमें हम, और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपना 1 कप मिल्क जो हमने लिया था, 1 कप दूध हमारा, ये भी डाल देंगे इसमें। गैस हम स्लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम अपना मिल्क पाउडर जो हमने लिया था 1 कप, और इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसको लगातार चलाना है हमें ताकि लम्स ना पड़ जाए इसमें। तो हमारा दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर पक रहा है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं इसमें हम, इसके साथ ही डिजॉल्व हो जाएगी। साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी छोटी इलायची, और इसको स्लो गैस पे पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी चीनी डिजोल्व हो गई है और थिक हो गया है ये। तो हमें इसका तार क्लीन बनाना है इसमें हमें चाशनी की तरह। तो बस इसके नीचे हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हमें थिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा दूध और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर है वो काफी थिक हो गया है। अभी हमें इसे और थिक करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है आपको, नहीं तो नीचे लग सकता है ये। और नॉन स्टिक कढ़ाई में आप करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा ये। और इसे हम ठंडा होने के रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा मिल्क पाउडर और दूध का मिक्सचर जो था बिल्कुल थिक हो गया है और इसका खोया बन गया है बिल्कुल। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा देसी घी और ऐड करेंगे। 1 टीस्पून देसी घी और ऐड कर दिया मैंने इसमें, और मिक्स कर देंगे इसको। अब बिल्कुल पैन से अलग होने लगा है ये। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं बस, और इसको किसी बोल में निकाल लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं इसको, गैस ऑफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मिल्क पाउडर और दूध से बहुत ही टेस्टी खोया तैयार कर लिया है, और यहाँ पर हमने शुगर सिरप बना लिया था अपना। तो हम अपने ब्रेड को कट कर लेते हैं, इसको हम राउंडल्स में कट करेंगे इस तरह से। कोई भी छोटी सी कटोरी हो आपके पास या कोई कुकी कटर हो, इस तरह से राउंड कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से, और जो ये साइड्स बचेंगी इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटी वाली कटोरी से मैंने ऐसे राउंड कट कर लिए हैं ब्रेड के। तो अब हम एक ब्रेड लेंगे और इस पर हम अपना ये खोया लगाएंगे। इसको स्प्रेड कर देंगे और ऐसे ही हम एक और ब्रेड स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख के एक सैंडविच की तरह बना देंगे इसको हम। देखिए इस तरह से, देखिए हमने इस तरह ब्रेड के बीच में एक खोया लगा के और हमने इसका सैंडविच बना लिया है, चिपक गया अच्छी तरह से। अब इसको हम डिप करेंगे अपने शुगर सिरप में, और बस डिप करते ही हमें निकाल लेना है इसको, बहुत देर तक नहीं रखना है इसके अंदर। और अब इसको हम, तो हमने इसे शुगर सिरप में से निकाल लिया है फौरन,
और इसको बहुत तेज नहीं रखना है इसके अंदर, बस डालते ही निकाल लेना है इसको। और हमने कोकोनट पाउडर फैला दिया इस तरह से प्लेट में, और इस पे हम कोकोनट पाउडर लगा देते हैं, इस पे कोटिंग कर देंगे इसकी। देखिए इस तरह से ये चमचम तैयार होगी हमारी एक। तो एक और बना लेते हैं। इस तरह से हमने ब्रेड पे अपना फिलिंग रख दी, अपना खोया लगाया इस पे हमने, और एक ब्रेड स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे। सैंडविच बना दिया हमने, और बस चाशनी में डिप किया एक सेकंड के लिए, निकाल लिया इसको हमने फौरन, जितनी एक्स्ट्रा है निकाल लेंगे इस तरह से, और अपने कोकोनट पाउडर में इसको लपेट देंगे इस तरह से। तो देखिए ये कॉट चमचम तैयार होगी हमारी। अब हम अपने शुगर सिरप को दो जगह डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारी व्हाइट चमचम तो बन गई है, अब हम अपने शुगर सिरप में कलर डालेंगे। एक में ऑरेंज डालेंगे, एक में ग्रीन डालेंगे हम। तो कुछ ड्रॉप्स में डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ये लिक्विड कलर है, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए ऑरेंज कलर का सिरप बन गया ये, और इसी तरह मैं इसमें ग्रीन कलर डाल देती हूँ। तो देखिए हमने ऑरेंज फूड कलर से इसको ऑरेंज कर दिया है सिरप को, और इसे हमने ग्रीन कर दिया है। इस तरह से हम अपने कोकोनट पाउडर में भी थोड़ा सा कलर डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं इसमें। और इसको बस देखिए दो ड्रॉप डाली मैंने खाली, और इसको मैं हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये ऑरेंज कलर में हो जाए एकदम। देखिए इस तरह से ऑरेंज कलर में हो रहा है ये, अच्छी तरह इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ऑरेंज फूड कलर से हमने ऑरेंज कलर में कर दिया है इसको कोकोनट पाउडर को, और ऐसे ही हम ग्रीन बना लेते हैं। तो लीजिए हमने ये कोकोनट पाउडर ग्रीन कलर में कर लिया है, बाकी इस तरह से हाथ से मिक्स कर देंगे इसे हम। तो हमारा ऑरेंज कलर भी तैयार है सिरप, और ग्रीन कलर का सिरप तैयार है, और दोनों हमने कोकोनट पाउडर भी कलर कर लिए थे। तो अब हम और बना लेते हैं चमचम अपनी। तो ऐसे ही ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे अपना खोए का मिक्सचर, और ब्रेड स्लाइस से ऐसे हम सैंडविच बना देंगे इसका। और इस सैंडविच को अब हम डिप करेंगे अपने ऑरेंज सिरप में, और बस फौरन निकाल लेंगे बाहर, और इसको डिप कर देंगे अपने ऑरेंज कोकोनट में। ये देखिए हमारी चमचम तैयार हो गई है। ऐसे हम ग्रीन बना लेते हैं, ऐसे ही हम लगाएंगे फिलिंग अपनी ब्रेड के ऊपर। बहुत टेस्टी बना है खोया, और इसके ऊपर लगा देंगे स्लाइस। ये सैंडविच बना दिया हमने, और इसको हम डिप कर देंगे अपने ग्रीन फूड कलर में, ग्रीन फूड सिरप में, और बस फौरन ही निकाल लेंगे इस तरह से, और इसको अपने ग्रीन कोकोनट में लपेट देंगे इस तरह। तो लीजिए भी तैयार हो गई हमारी ग्रीन कलर की चमचम। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गई है मेरी बहुत ही टेस्टी चमचम, और ये जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही ये टेस्टी भी है, और ये बहुत जूसी है क्योंकि हमने इसको चाशनी में डिप किया था, और हमने इसके अंदर जो स्टफिंग भरी थी खोए की वो बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। और मैंने इसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर यूज किए हैं, अगर आप चाहें तो आप सिर्फ व्हाइट से ही बना सकते हैं, व्हाइट ब्रेड से बना सकते हैं इसे, ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। और आप देखा आपने बनाना कितना इजी है इसको। तो फ्रेंड्स जरूर बनाइएगा, जरूर खाइएगा। मिलते हैं ऐसी एक टेस्टी रेसिपी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।